गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद एकता। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सो गाइस, स्टार्ट कर रही हूँ मैं नया व्लॉग। और अभी सुबह के टाइम हो चुका है, प्रोफेसर आज 8 बजे ही कॉलेज चले गए हैं और मैं थोड़ा सा लेट से उठी जस्ट बिकॉज मुझे पूरी रात मेरे पेट में दर्द था, पता नहीं क्यों। मुझे लग रहा है ठंड लग गई थी क्या था कि मेरे पेट में ना दर्द था और मैं बार बार वॉशरूम जा रही थी। अब समझ रहे हैं वो कि क्यों जा रही थी। तो तबीयत नहीं सही थी। फिलहाल मेरे सारा काम ख़त्म हो गया है, मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है और ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो गया है। लंच में देखते हैं कि क्या बनाते हैं, अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है। अभी रंजना का फ़ोन आया है, मतलब हमारे फ्लोर पे जो रहती है उसका कॉल आया है कि भाभी मैं पकौड़े बना रही हूँ तो आ जाओ। तो मैं अभी जा रही हूँ पकौड़े खाने के लिए, इन्विटेशन मिला है तो क्यों छोड़ना भैया। फिर उसके बाद वो पकौड़े बहुत टेस्टी बनाती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है, तो चाय पकौड़े हम करेंगे वहाँ पे। और अंकिता भाभी चाय बहुत अच्छी बनाती हैं। तो मैं जा रही हूँ, मैं थोड़ा सा अपना अभी जस्ट मैं लेट आज नहाई, बहुत लेट नहाई हूँ क्योंकि पता है तबीयत नहीं सही रहती है ना तो कुछ करने का मन ही नहीं करता है। वही हालत आज थी सुबह मैं प्रोफेसर को जाना था 8 बजे, मैंने जस्ट उनको लंच वगैरह दे दिया करके, मतलब कि वो गए और उसके बाद ना मैंने कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद फिर से आशिका सो रही थी, मैं जस्ट उसके बगल में गई और सो गई क्योंकि फिर मन ही नहीं कर रहा था, कुछ भी उठने का मन नहीं कर रहा था। फिर मैं लेटी थी फिर मेरे को लगा यार घर का काम तो करना ही पड़ेगा, घर में ऐसे होता नहीं है। तो फिर मैंने फिर झाड़ू वाड़ू किया, डस्टिंग वगैरह, आशिका को उठाया, उनका रूटीन कंप्लीट किया, फिर मैं नहाने गई। ये थ्रेडिंग यहाँ बढ़ गई है और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि थ्रेडिंग कहाँ से करें। कोई बात नहीं, बाहर चलो मैं आती हूँ। तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मैं थ्रेडिंग कहाँ से कराऊँ, मुझे पार्लर वाले को भी ढूंढना है। सैलून तो है कई है यहाँ पर यार थ्रेडिंग को लेके रिस्क नहीं लिया जा सकता। थ्रेडिंग एक बार बिगड़ी ना तो फिर उसको बनने में ही 3-4 महीने जाते हैं। मुझे ना ये ब्लू नेक्टर वाला जो टिंट है ना इतना ज्यादा पसंद आया है, मैं क्या ही बताऊं। आप भी ट्राई करना। तो बालकनी में मैं कल ही करती हूँ, फिर मैं आती हूँ। आई एम डन, मतलब मैं रेडी हो गई, अभी निकलते हैं। इसको कर देती हूँ लॉक को। और आज मेरे किचन में कुछ भी अभी नहीं बना है, लंच के नाम पे कुछ भी नहीं बना है। देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। पहले मैं खुद पकौड़े खा के आती हूँ और किसी का रात में पेट खराब हो, पेट में दर्द हो और सुबह पकौड़े कौन खाता है, पर मैं खा रही हूँ। मैं एक बात बताऊँ, मुझे ना दर्द होता है और लूज मोशन भी हो रहे होते हैं ना, मैं खाना नहीं छोड़ती। अकेले खेलते खेलते बोर हो जाओगी तो क्या करोगे फिर? एक काम करो, पढ़ाई नहीं करो, चलो बैठ जाओ पढ़ाई करोगी। चलो चलते हैं थोड़ा आंटी के पास। मम्मा, मैं किसके साथ खेलूं? अब मैं कहाँ से ले आऊं खेलने के लिए आपको? नीचे मेरे तो खेलने के लिए। नीचे किसके साथ जाओगी? वॉचमैन के साथ? वॉचमैन के साथ नहीं। फिर नीचे किसके साथ खेलोगी? खेलूंगा। और देखो सर आ गए भैया, लाइट्स ऑफ करते हैं। और रंजना कैसी हो? उदास थी क्या? हम नहीं आए थे तो हम नहीं आए थे इसलिए उदास हो गई थी क्या? एकता भाभी नहीं आ रही, नहीं आ रही। सब्जी काट रहे थे। टिन 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 क्या रंजना को कुर्ती हम ही दिखा रहे? ये शॉपिंग की कुर्ती, ये शॉपिंग की कुर्ती। अच्छा ये भी जैगिंस ली थी वही वाला? सही है, अच्छा लग रहा है, ये कलर अच्छा लग रहा है ना। ये
गाइस आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जिनको ज्वेलरी का शौक है ना वो कुछ लेटेस्ट ट्राई करें जो हमारे घर की गर्ल्स ट्राई कर रही हैं। और वो देखिए ये इन लोगों ने ज्वेलरी बनाई है कितनी प्यारी बिंदी, यहाँ बिंदी, इयर रिंग में भी बिंदी, ये देखो बिंदी, सारे जो स्टिकर्स होते हैं ना उनसे इन लोगों ने ज्वेलरी प्रॉपर बना ली है और दोनों तैयार होके खेल रही हैं। और आपको भी अगर ट्राई करना है तो आप भी देखिएगा, मैं भी एक बार ट्राई करूंगी, ठीक है, पक्का ट्राई करेंगे और फिर रेडी होंगे सब लोग इससे स्टिकर से, ठीक है, ओके ओके। आपका नाम क्या है बता दो? अभिलिप्सा। ओहो अभिलिप्सा, बोलो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। बोलो मेरा नाम है आशिका, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लव यू, बाय। सो गाइस मैं यहाँ पर बना रही हूँ लेमन ट्री, अपना मतलब अपना नहीं बना रही हूँ, प्रोफेसर का बना रही हूँ। और मैं जाऊँगी भाभी के साथ थोड़ा सा सुपरमार्केट, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा सामान लेके आना है और उसके बाद प्रोफेसर आने वाले हैं, तो मैंने सोचा उनका चाय मैं रेडी करके रखती हूँ। वो शाम को आजकल लेमन टी पी रहे हैं और ठंडी है, मैंने हाइनेक के ऊपर भी मैंने ये पहन रखा है, आप देख सकते हैं। तो मैं फटाफट चाय पीती हूँ। सो गाइस यहाँ पर हो गया था शाम का टाइम और मैं चाय बना रही थी खुद के लिए, तो मैं यहाँ पर इसी तरीके से किचन में डांस कर रही थी और अपने जो डांस मूव्स हैं वो आप लोगों को दिखा रही थी। मैं कितनी पागलपंती करती हूँ ना, तो खुद को एंटरटेन करने के लिए ना खुद का होना ही काफ़ी होता है, ऐसा मेरा मानना है। जब कोई नहीं है तो खुद से ही अपनी ज़िंदगी को मस्तियों से भर दो और हमेशा खुश रहो, मैं बस यही बोलूँगी आप लोगों से भी। कब से फोन कर रहे हैं? अरे यार फिर एक बता दिया, सही टाइम क्यों नहीं बताते हो कि हाँ इतने देरी में ही आ जाएंगे, हम फालतू में चाय रख दिए। आदमी एकदम आइडियल टाइम बताता है। ओके अब वो लेट हो जाता है, वहाँ पे क्या है कुछ ना कुछ। जब तुम्हें पहली बार फोन किए थे ना तब हमें याद ही नहीं था मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम्हें फोन करते करते हमें याद आया। ओके चाय ले आओ। चाय लो फिर जाना है। कहाँ कॉलेज? अरे नहीं उसी को देना है यार, वो एक और रिपोर्ट चाहिए उसको, वो मेडिकल रिपोर्ट, पता नहीं कहाँ है। बड़ी वाली लाइट से लाइए, मैं ले आती हूँ चाय। सो गाइस आज मैंने बनाया है, क्या मैं आपको दिखाती हूँ, रोटियाँ यहाँ बन रही हैं और मैंने ये बनाया है भरता। और ये किस चीज़ का भरता है ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे, ठीक है। और इस भरते के साथ ना रोटियाँ बहुत 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 टेस्टी लगती हैं, स्पेशली मोटी वाली रोटियाँ। जो मैं यहाँ पे पका रही हूँ। सो गाइस ये था हमारा आज का ब्लॉग, ब्लॉग बताइएगा कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगा हो तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ऐसे ही हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। और मेरी कोशिश जो है ना उसमें मतलब मेरी कोशिश को सफल करने के लिए आप लोगों को भी थोड़ा सा हमारा साथ देना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। लव यू ऑल, बाय।